माय गुडनेस को फ्रीली सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ बायोटिक के आई एंड फेस मेकअप रिमूवर का, और मैं ये भी शेयर करूंगी कि ये किन लोगों की स्किन को सूट करेगा और इस मेकअप रिमूवर का यूज करने से हमारी स्किन को क्या क्या मिलेंगे बेनिफिट। सो प्लीज गाइस लेट्स स्टार्ट। ये है बायोटिक आलमंड ऑयल सूथिंग फेस एंड आई मेकअप क्लींजर फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन, और ये है इसकी आउटर पैकेजिंग। 175 रुपीज इसका प्राइस है और 3 इयर्स की है शेल्फ लाइफ। और इसमें किस इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया, तो इसमें यूज किया गया कुसुम्बी ऑयल का, अरंडी ऑयल का, नीम ऑयल का, सोया ऑयल का, बादाम के तेल का, सूरजमुखी तेल, तिल ऑयल। तो ये ऑयल्स का कॉम्बिनेशन है ये बायोटिक का मेकअप रिमूवर। तो ये है इसकी इनर पैकेजिंग, इस तरह से है ये प्लास्टिक की बॉटल में ट्रांसपेरेंट, तो आप इजीली देख सकते हो कि कितना आपका मेकअप रिमूवर यूज हो गया है। तो ये है बायोटिक का आलमंड ऑयल। तो ये है इसका टेक्सचर, एक ऑयल की तरह ही लगता है, बट ये नॉन स्टिकी भी नहीं है और नॉन ग्रीसी भी नहीं है ये मेकअप रिमूवर, क्योंकि ये देखने में तो लग रहा है कि जैसे ये ऑयल ही है, बट ये उसका टेक्सचर ऑयल की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैं इसकी हेल्प के साथ अपना मेकअप करूंगी रिमूव। सो प्लीज गाइस कीप वॉचिंग। सो पहले आप 3-4 ड्रॉप इस मेकअप रिमूवर की अपनी पाम में पहले ले लें इस तरह से। देन आपने इसको अप्लाई करना है अपने फेस पे, हल्के हाथों के साथ आपने अपने फेस की मसाज करनी है ताकि जो भी आपका मेकअप है वो निकल जाए। तो आपने इस तरह से पहले अप्लाई कर लेना, फिर आपने लेना है एक नैपकिन। तो आप देख रहे हो कि मेरा आई का मेकअप निकलना स्टार्ट हो गया, तो आपने क्लोथ नैपकिन लेना है, पेपर नैपकिन का यूज़ नहीं करना। देन आपने इस नैपकिन की हेल्प के साथ अपना मेकअप कर देना है, रिमूव कर देना है, इससे आपका फेस एकदम से हो जाएगा क्लीन। तो अगर इस मेकअप रिमूवर की स्मेल की बात करें, इसकी स्मेल स्ट्रांग नहीं है, अच्छी है इस मेकअप रिमूवर की स्मेल। और ये मेकअप रिमूवर ना तो ग्रीसी है, और ये नहीं कि इसको अप्लाई करने के बाद फेस काफ़ी चिपचिप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, और ये इजीली आपके मेकअप को रिमूव कर देता है। तो अब हम करते हैं लिपस्टिक को रिमूव, क्योंकि अक्सर लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक जो होती है उनको रिमूव करने ना पे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आप इस तरह से इसकी हेल्प के साथ ईजिली अपनी लिपस्टिक को भी कर सकते हो रिमूव। तो आप देख रहे हो कि सारा मेकअप आ गया इस नैपकिन के ऊपर। तो देन आप अपने पूरे फेस का मेकअप कर सकते हो इस तरह से रिमूव। तो बहुत इजी है इसका यूज़ करना, इसकी हेल्प के साथ फेस को क्लीन करना। तो आप देख रहे हो कि मेरा फेस ग्रीसी नहीं दिख रहा, क्लीन दिख रहा है और स्मूथ दिख रहा है। तो ये है इस मेकअप रिमूवर का रिजल्ट। तो मैं शेयर करूंगी इस बायोटिक के आई एंड फेस मेकअप रिमूवर का रिजल्ट। और इस मेकअप रिमूवर को यूज़ करने के बाद मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जब मैंने इसका यूज़ किया अपनी आईज़ के मेकअप को रिमूव करने के लिए, उस टाइम पे इजीली और क्विकली मेरा सारा मेकअप तो इसने रिमूव कर ही दिया, बट कोई भी इरिटेशन, इचीनेस और रेडनेस जैसी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। क्योंकि जब भी हम किसी भी मेकअप प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं अपनी आईज़ पे, तो हमें उस टाइम पे यही टेंशन होती है कि कहीं हमारी आईज़ पे कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, कोई इचीनेस या रेडनेस की प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसका यूज करने के बाद ये कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। तो इट मींस ये टोटली सेफ है आपकी स्किन के लिए, आपकी आईज के लिए, क्योंकि ये है एक अल्कोहल फ्री मेकअप रिमूवर और इसमें किसी भी हार्मफुल केमिकल का नहीं यूज किया गया, सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का ही यूज किया गया है और ये प्रिजर्वेटिव फ्री भी है। तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन भी है तो आपकी स्किन को डेफिनेटली सूट करेगा ये बायोटिक का आई एंड फेस मेकअप रिमूवर। और जो ये मेकअप रिमूवर है, चाहे आपने वाटर प्रूफ मेकअप क्यों ना किया, उसको भी ये इजिली और क्विकली कर देता है रिमूव। तो ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों को सूट करेगा अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, क्योंकि अक्सर ड्राई स्किन वाले जब भी मेकअप प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं या मेकअप रिमूवर की हेल्प के साथ अपने मेकअप को रिमूव करते हैं, तो उनकी स्किन बाद में काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। बट अगर आप इस मेकअप रिमूवर का यूज़ करोगे तो आपको बाद में ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। और इस मेकअप रिमूवर की खास बात ये है कि ये एक ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर है, बट बाद में आपकी स्किन बिल्कुल भी ऑयली नहीं होती। क्योंकि जब मैंने इसका यूज़ किया था, उस टाइम पर मुझे लग रहा था कि इसका यूज़ करने के बाद मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरी स्किन को एकदम से इसने स्मूथ बना दिया और क्लीन भी बना दिया। तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर का यूज करें तो बाद में आप फेस वॉश के साथ अपने फेस को डेफिनेटली क्लीन कर लें। तो ओवरऑल गाइस, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन, तो डेफिनेटली आपकी स्किन को ये बायोटिक का मेकअप रिमूवर सूट करेगा, क्योंकि ये है एक ऑयल बेस्ड मेकअप
रिमूवर। तो अगर आपकी स्किन ऑयली भी है तो ऑयली स्किन वालों को अगर इस मेकअप रिमूवर का यूज करना है, वो चाहते हैं कि हमारी स्किन बाद में ऑयली ना हो, तो उनको मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आपने डायरेक्ट इस मेकअप रिमूवर को अपने फेस पे नहीं अप्लाई करना, नहीं मसाज करनी। इसके साथ जस्ट आपने कॉटन बॉल लेनी है और कॉटन बॉल के ऊपर जस्ट थोड़ी सी ड्रॉप्स लेनी है, देन उस कॉटन बॉल की हेल्प के साथ अपना मेकअप करना है क्लीन, और बाद में आप भी किसी अच्छी फेस वॉश के साथ अपने फेस को क्लीन कर लें, तो बाद में आपकी भी स्किन ऑयली नहीं होगी। तो ओवरऑल गाइज मुझे काफी अच्छा लगा ये बायोटिक का आई एंड फेस मेकअप रिमूवर, और इसमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया, इसमें आलमंड ऑयल का भी यूज किया गया, आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और आपकी स्किन को एकदम से स्मूथ बना देता है। तो ओवरऑल गाइज मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये बायोटिक का मेकअप रिमूवर। मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी कि कोई अच्छा सा मेकअप रिमूवर मिले जो केमिकल फ्री हो, तो मैंने इसको परचेज किया और इसका यूज़ किया और मुझे रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं सबको रिकमेंड करती हूँ कि आप डेफिनेटली इस मेकअप रिमूवर को ज़रूर करें परचेज। सो ये था मेरा आज का रिव्यू इस बायोटिक के मेकअप रिमूवर के रिगार्डिंग, और अगर आप किसी भी बायोटिक के और प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो वो वाली वीडियो। और ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।